वेलकम बैक टू द चैनल बॉय विथ मशीन्स। सो आज अपना प्रो बाइकर्स का ग्लोब्स आ चुके हैं। नाम प्रो बाइकर है लेकिन होते हैं न्यू बाइकर के लिए, मतलब 200 सीसी के राइडर्स तक के लिए ठीक होते हैं और बहुत सस्ते में मिलते हैं। लाइक ये 300 का पड़ा एंड इसका एल्बो गार्ड एंड नी गार्ड भी बहुत सस्ते मिलते हैं, 1300 के लगभग में मिल जाते हैं, जो कि बहुत सही है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड आज अपने को काम है, टायर्स आए हैं वाइट टायर्स, को दिखाते हैं हम। सो ये है अपना रेलको का 120x70-10 स्पीड ब्लास्टर टायर। सो इसको मैंने खरीदा है डुगराने के लिए, बचपन की यादें ताजे करने। नहीं, ये है इसका रियर टायर जो कि ऑलमोस्ट पूरा इसका ख़त्म हो चुका है, ग्रिप एकदम प्लेन है। जब MRF का टायर है, नहीं हाँ MRF का है और चला है ये बस 8800 अप्रोक्स। ये देखो, चलो चलते हैं डलवाने। उससे पहले इसको पूरा बर्नआउट करके ख़त्म करते हैं पिछला टायर। तो चलते हैं, अब सीधे मिलते हैं टायर के दुकान पे टायर लगवाने। चलो फाइनली एट शॉप, चलो चल के लगवाते हैं अभी से। जितना वाइड है ये टायर इसके मुकाबले। अंकल ने चाय ऑफर किया था। चलो अब लगा के दिखाते हैं टायर जब लग जाता तो। अपना डल रहा टायर, लेकिन हाइट हो जाएगा पीछे थोड़ा सा, हल्का सा, थोड़ा सा ज़्यादा है, 1-2 सेंटीमीटर बस ज़्यादा है ये। थोड़ा सा बचा है। इधर भी देखा जाता है। चलिए उतारिए। पहला बार हम चढ़ाए हैं। सिवान में पहला है ये सिवान में पहला है ना। टायर ट्यूब ले रहे हैं, ठीक। हां
काजी का टायर 1450 का टायर है, 1450 का टायर है, लगाने का 350 और लग गया। हाँ ना, अब टायर का गारंटी कौन देता है अंकल? कौन सा मतलब बाइक है? स्कूटी तो सस्ता मिल जाएगा, 1000-1200 में मिल जाता है ये वाला सब। मेरा दूसरा टायर है, मेरा चौड़ा वाला टायर है, उसलिए ज़्यादा महंगा है। हाँ ये सब 1200 में मिल जाता है, ये वाला 1400 का है, 1450 चौड़ा टायर है थोड़ा ये। ठीक सो टायर डल चुका, अब हम चलते हैं लोग घर। ओह फिर निकल गया हेलमेट का। चल सो वाइट टायर के फायदे हैं कि ये मतलब ग्रिप अच्छा पकड़ा रहता, स्लिप नहीं करता, लाइक देख रहे हो कितना स्मूथ चल रहा है पहले से। एंड थोड़ा माइलेज ड्रॉप होता है, माइलेज टेस्ट भी कर लेंगे कुछ दिन में। एडवांटेज यही है, अभी तक तो मतलब टच नहीं हो रहे हैं कहीं, अब शायद डबल या ट्रिपलिंग पे से टच करें उसका ये बताएंगे। तो चलते हैं फटाफट से घर, फिर अच्छा से दिखाते हैं लुक इसका। लाइक देख रहे हो कितना स्मूथ चल रहा है। इसमें है तुम कॉर्नरिंग अच्छा कर सकते हो, मतलब अच्छा लीन कर सकते हो, इतना भी लीन नहीं कर देना कि यमराज तुमको लीन करने आ जाए। सो मिलते हैं घर पे। तो फाइनली आ चुके हैं घर, अब दिखाते हैं टायर कैसे लुक दे रहा है। लुक एक डिश मीन्स जब बाहर था तब थोड़ा चौड़ा चौड़ा लग रहा था क्योंकि ये खुला रहता, इसमें लगने के बाद थोड़े कम लग रहे हैं। फर्स्ट वाइट टायर स्कूटी इन सिवान। मैंने लगाते टाइम बोला था कि टच करेगा ऊपर, लेकिन टच नहीं कर रहा। अब डबल या ट्रिपलिंग पे, मैं ट्रिपलिंग पे कर सकता है, डबल पे तो नहीं लग रहा कि करेगा। टायर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो मतलब एक्टिवा जुपिटर एंड क्या कहते हैं ग्रेजिया डीओ सब पे सेट कर सकते, रियल टायर में सेट कर सकते। टायर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। मिलते हैं अगले किसी मस्त से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।